सर फिजिक्स वाला वेब सीरीज देखी आपको कैसी लगी? जी सर मैंने देखी, बहुत ही शानदार लगी मेरे को, बहुत ही बेहतरीन। और जैसा कि हम लोग अभी तक जानते थे कि मतलब कि अलख पांडे का क्या है रोल, अभी तक मतलब उन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की थी यूट्यूब से जब वो वायरल हुए, तो वो सभी स्टोरी बेस्ड है, मतलब कि उनके पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई है और उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी दिखाई गई है कि मतलब उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं, इन सब चीज़ों को मतलब दिखाया गया है। और उनकी कहानी इतनी ज़्यादा मतलब मोटिवेशन, इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और बल्कि ये मूवी मतलब ये सीरीज़ देखने के बाद जब मैंने अमेजोन मिनी टीवी में देखी, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मूवी थिएटर में आनी चाहिए थी, काफ़ी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि अब ये जो हालांकि इसमें अमेजोन मिनी टीवी में फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, फ्री है, फ्री में जाके देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है मतलब ये जो सीरीज़ है उसको बड़े थिएटर में रिलीज़ होती ज़्यादा सही रहता, और ये इसके जो मेकर्स है ना वो अच्छा खासा तगड़ा पैसे कमा सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब इसमें कहानी दिखाई गई है। लोग बात यह है, देखिए मैं अगर आपको इससे अलग कुछ बातें कहूँ, जैसे बॉलीवुड में अभी जितनी मूवीज़ आती हैं तो ज़्यादातर रीमेक आती हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कहानियों की कमी है, और कुछ अगर मूवीज़ हिट हुई हैं तो वो रीमेक हैं या फिर बायोग्राफी हैं। और ये जो बनी है अलख पांडे के ऊपर रो मूवी, तो ये मूवी मतलब ये यूनिक कहानी है एक तरह से, हालांकि हमको पता है कि बायोग्राफी है तो बायोग्राफी ज़्यादा अच्छी रहती है, कुछ मसाला झोंका जाता है, लेकिन जो अलख पांडे की जो लाइफ दिखाई गई ना बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आपको मतलब गूस बम्प्स देगी, बहुत ही शानदार मूवी है। इसमें मतलब जो रोल निभाया है श्रीधर दुबे है एक्टर का नाम, मतलब वो मैंने इनको पहली बार देखा था उसमें क्या कहते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तब मेरे को पता नहीं था कि ये और भी वेब सीरीज़ में काम करते हैं, लेकिन जब मैंने आज इस वेब सीरीज़ में देखा तो तब भी मेरे को मतलब लगा कि क्या बंदा है, क्या रोल निभाता है। इसमें लीड रोल में है, बल्कि उसमें क्या कहते हैं मतलब उसमें जब गैंग ऑफ वासेपुर आई थी, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ इन्होंने काम किया था, तो उसमें मतलब हल्के सेकंड रोल में थे, नहीं साइड सेकंड में भी नहीं, बहुत ही डाउन रोल था उनका, छोटा सा रोल था, लेकिन इसमें लीड रोल पे आए हैं श्रीधर दुबे, तो बहुत अच्छी शानदार एक्टिंग की है इसमें। मैं ये जैसे अब छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स नहीं होते हैं कि जब चैनल स्टार्ट करते हैं फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर चैनल छोड़ देते हैं, तो इसमें उनको भी यही चीज़ दिखाई गई है कि कैसे अपने डिमोटिवेट होते थे, मेहनत करके वीडियोज़ बनाते थे, अपनी एजुकेशन, अपने जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनका माइंड सेट है, उन्होंने अपने सरल शब्दों में जिस तरह से बच्चों को समझाया है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने यूट्यूब पर बताना शुरू किया, चैनल क्रिएट किया, और उनकी वीडियोज़ वायरल नहीं हो रही थी, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मतलब कंटिन्यू उन्होंने वीडियोस डालना शुरू किया, डालते रहे, फिर एक बार ऐसा है कि उनकी वीडियोस वायरल हुई, एक वीडियो जब वायरल हुई तो उनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, और फिर उन्होंने उस पर और कंटिन्यू वीडियोस डालना शुरू किया। एंड इसके बाद मैंने एक और देखी इसमें जो लगी कि जब ये अलख पांडे जब वायरल हुए, तो जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वो अलख पांडे को एक बड़े पैकेज के साथ लाखों करोड़ों के पैसे कि हम बुला रहे थे हमारे यहाँ काम, कि आपको महीने का 2.5 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, आप हमारे जॉब कर लो, तो उन्होंने मतलब बिल्कुल ही मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, कहा नहीं, अब जो है मेरे आगे पीछे यूट्यूब है और मेरी कंपनी है। तो आजकल तो अगर आप लोग अलख पांडे को अच्छे से जानते हैं, ज़्यादातर तो मेरे को पता है 98% लोग जानते होंगे, तो जो लोग जानते हैं तो उनको पता होगा कि भाई अलख पांडे 1000 करोड़ कंपनी के मालिक हैं, तो वो अलग चीज़ है। एंड इसके अलावा मैंने ये इसमें इस वेब सीरीज़ में जो सबसे खास चीज़ लगी ना, वो अलख पांडे की कुछ पर्सनल चीज़ें लगी, जो पर्सनल बातें लगी, या कह सकते हैं कि पर्सनल उनकी लाइफ लगी, जैसे कि उनकी पर्सनल मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह की चीज़ों को लेकर, तो वो दिल छू लेती है। क्योंकि दोस्तों जब मैंने देखा था मतलब कि उसमें क्या कहते हैं, जब संदीप महेश्वरी के शो में आए थे अलख पांडे, तो उन्होंने कहा था कि लाइफ में कभी प्यार मत करना, ये वो ऐसा मतलब इमोशनली कह रहे थे, और उन्होंने मोटिवेट भी किया था, तब हम मतलब बाहरी बातों को जानते थे, अंदर की बातें नहीं जान पा रहे थे, लेकिन इस वेब सीरीज़ में उनकी पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया है। हालांकि मेरे को पता है कि मतलब ज़्यादातर कुछ मसाला झोंका जाता है, लेकिन जो भी है यार कहानी मोटिवेशन वाली है, मूवी बहुत ही अच्छी है, और जो श्रीधर दुबे हैं वो उन्होंने मतलब 100% क्या 101% अपना दिया है, जो कि दिख रहा है वेब सीरीज़ में कि हाँ अलख पांडे, मतलब एक नज़र में तो आप भूल जाओगे कि अलख पांडे है कि श्रीधर दुबे है, इतना अच्छा उन्होंने रोल निभाया है। और कहानी का अगर मैं ज़्यादा स्पॉइलर दूंगा नहीं, नॉर्मली बेसिक देखिए, जैसे कहते हैं कि एक डायलॉग है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा और वेब सीरीज़ में भी देखा होगा, कि एक अलख पांडे ख़त्म करोगे तो मैं 1000 अलख पांडे ले आऊँगा, इस चीज़ को भी दिखाया गया, मतलब कि अभी तक जो भी स्टूडेंट हैं अलख पांडे के, फिजिक्स वाला जी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने अभी तक जितने भी वीडियोस देखी हैं अलख पांडे की, तो उनकी जो बातें हैं उन्हीं को रिन्यू किया गया है, उन्हीं को रिक्रिएट किया गया है डायलॉग्स के थ्रू, और जिसको कि श्रीधर दुबे ने बोला है, तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप माइंड में आती रहेंगी कि हाँ अलख पांडे ने इस क्लास में मतलब इस टाइम पर ये चीज़ें बोली थी, और उस पर आपको यूट्यूब वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। लेकिन इसमें जिस हिसाब से मतलब कि कहानी को दर्शाया गया है, एक प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और मेरे हिसाब से पिक्चर मतलब ये सीरीज ताबड़तोड़ कमाने वाली है। कितने स्टार देंगे? मैं इसको सर दूंगा मतलब कि 5 में से 4.5 स्टार। अच्छा जी सर, थैंक यू, ओके।